Hey guys, I am your friend, your teacher Nisha Sharma. I welcome you on my channel Achievers Academy. Guys, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ये स्पेशल है यूपी टेट के लिए, ठीक है? तो इसका स्पेशल अपना टारगेट है गाइज यूपी टेट 2019. बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है यार, ये यूपी टेट में क्या आता है, कितने नंबर का आता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी. देखो, एक तो आपका लेवल है बीटीसी बोलते हैं भाई आपके यूपी में, हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, चाहे वट एवर कुछ भी बोलते हैं, मतलब 1-5 वाला पेपर, ठीक है? एक तो आपका 1-5 वाला पेपर है और दूसरा आपका पेपर है जो बीएड लेवल का है, जो 6-8 वाला है, ठीक है? तो दो लेवल के पेपर का मैं आपको डिस्कशन करती हूँ. आने वाला यूपी टेट बहुत जल्दी, आपको ये वीडियो देख के सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. देखो, पेपर कितने मार्क्स का आएगा भाई, 150 मार्क्स, ठीक है? आपका जो एग्जाम है गाइज वो कितने मार्क्स का आएगा, 150 मार्क्स का आएगा, 150 नंबर का. तो इस 150 नंबर में आपको क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला आएगा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कुछ कुछ इशू पैडागोजी, मतलब ना के बराबर. आप चाइल्ड डेवलपमेंट कह लो या साइकोलॉजी कह दो, ठीक है? मैं तो अपनी भाषा में साइकोलॉजी बोलती हूँ भाई, हिंदी में कह दो बाल विकास. ये आपका रहेगा गाइस 30 मार्क्स का. एक बार मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ. फिर आपको रहेगा हिंदी 30 मार्क्स, फिर आपको रहेगा अंग्रेजी, आई मीन टू से इंग्लिश, डेट इज आल्सो 30 मार्क्स, एंड आपका सब्जेक्ट डेट इज 60 मार्क्स. सब्जेक्ट यदि हम लेवल वन की बात करें, यदि हम बीटीसी फर्स्ट टू फाइव की बात करें, तो गाइज यहाँ पे आपको ईवीएस एंड मैथ्स को फेस करना पड़ेगा. और यदि हम बाकी बात करें तो आपका जो भी सब्जेक्ट है एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ठीक है ना, आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी सब्जेक्ट के अंदर. देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी को. 30 मार्क्स की चाइल्ड साइकोलॉजी आती है भाई 30 नंबर की. ये यूपी टेट की गाइज मैं बात करूँ ना, तो मुझे जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं टेट स्पेशल टीचर हूँ, यू नो वेल, और टेट में सबसे आसान मुझे लगता है भाई यूपी टेट, क्योंकि आज तक तो मैंने देखा नहीं कि यूपी टेट की साइकोलॉजी मेरी वीडियो से बाहर आई हो एक भी नंबर के. इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, मैं स्पेशली बच्चों के कमेंट से कह रही हूँ, बच्चे खुद बोलते हैं मैम 25, 26, 27 क्वेश्चंस आपकी वीडियो से आते हैं. तो यूपी टेट की साइकोलॉजी की तो बच्चे 1% भी टेंशन मत लेना. यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो मैं नहीं कहूंगी सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छा लगे वीडियो के लास्ट में तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी. तो साइकोलॉजी की तो मैं गारंटी देती हूँ, आप सिर्फ और मेरे चैनल की दो वीडियोस हैं, मैराथन क्लास है वो, बेशक नाम एस्टेट है बट टॉपिक्स वही हैं, मैराथन क्लास है साइकोलॉजी की, एक 3 घंटे की है, एक 7 घंटे की है. ये भी आपने देख ली ना, तो यूपी टेट की साइकोलॉजी तो पूरी क्लियर है. इसमें ना सरफेस लेवल पे चीजें आती हैं, सीटेट की तरह नहीं आता कि पैडागोजिकल इश्यूज आ जाएं. यूपी टेट गाइस बिल्कुल सिंपल थीम बेस्ड होता है, थ्योरीज बेस्ड होता है. और मैंने एक एक चैप्टर अपनी मेरी प्लेलिस्ट आप देख लेना साइकोलॉजी की, एक एक चैप्टर करवा रखा है. तो साइकोलॉजी की तो टेंशन छोड़ दो, 30 में से 26-28 नंबर जस्ट यू विल गेट विद माय वीडियोस, यू गो विद द ऑल चैप्टर्स. सिलेबस भी मैंने बना रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें आपको पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, बुद्धि है, और चाइल्ड डेवलपमेंट है, मोटिवेशन है, मेमोरी है, क्रिएटिविटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, री इन्फोर्समेंट है, ब्रूनर है, जीन प्याजे है, कोहलबर्ग है, गैने है, मतलब आप इन चैप्टर्स को कर लेना, साइकोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी. यूपी टेट में थ्योरेटिकल आता है, पैडागोजिकल बहुत कम आता है. फिर बात करते गाइज हिंदी की. हिंदी आपको 30 मार्क्स की रहेगी. अभी जो 30 मार्क्स की हिंदी है, आपको यहाँ पर व्याकरण मिलेगी, बिल्कुल ना कि सीटेट की तरह पैडागोजी, आपको प्रॉपर टिपिकल हिंदी व्याकरण मिलेगी. हिंदी व्याकरण मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाच्य, काल, समास, संधि, रस, अलंकार, जो मतलब वाक्य वाक्य जो टॉपिक होते हैं वो. साथ में 2-3 क्वेश्चन आपको रचनाओं के मिल जाएंगे, कि जो फेमस रचनाएं हैं ये भी मैं करवा दूंगी, मतलब कौन कौन सी फेमस रचनाएं हैं, किस किस राइटर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, 2-3 क्वेश्चन ये आ जाते हैं. 1-2 क्वेश्चन पैडागोजिकल आ जाते हैं, ज्यादा पैडागोजी नहीं आती, स्ट्रेट फॉरवर्ड टिपिकल ग्रामर रहेगी. ग्रामर के लिए भी यूपी टेट वालों को गारंटी दे रही हूँ, मेरी इंग्लिश हिंदी की प्लेलिस्ट ओपन करो, सारी ग्रामर करवा रखिये, यू विल फाइंड कंप्लीटली क्वेश्चन फ्रॉम माई वीडियो हिंदी एंड साइकोलॉजी.
फिर आते हैं भाई इंग्लिश पे, इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको स्टेटिक ग्रामर ही आएगी, कोई पैडागोजी नहीं आएगी सीटेट की तरह। पैडागोजी पे फोकस नहीं करना, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, वो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। पढ़ने का और पास होने का तरीका बताऊंगी लास्ट में। 30 मार्क्स की यहाँ पर भी आपको इंग्लिश ग्रामर आएगी, और आप कहोगे मैडम आप सारा ही अपना गा रहे हो, बट हाँ भाई मेरा मेन सब्जेक्ट वैसे एम एम इन इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर तो मेरा वैसे फेवरेट है, तो इंग्लिश ग्रामर भी मैंने लगभग कुछ वीडियोस करवा रखी, होप सो कंप्लीट कर दूं। तो ये अभी आपको यूपीटेट स्पेशल सीरीज चली हुई इंग्लिश ग्रामर, यू विल गो विद द प्लेलिस्ट। फिर सब्जेक्ट कंसर्न पे बात करें तो ईवीएस एंड मैथ, भाई जो बीटीसी वाले जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं उनको ईवीएस एंड मैथ आएगा। अब बच्चों को ईवीएस की बड़ी कंफ्यूजन होती है, ईवीएस एंड कहां से करें। देखिए बच्चे, एक तो जो आपकी एससीआरटी की बुक्स होती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ एनसीआरटी बोलते हैं, यूपी में आई थिंक एससीआरटी बोलते हैं, तो जो आपके यूपी के स्कूल्स में किताबें लगती हैं ईवीएस की, 1 से 5वीं, 2 से 5वीं, आप उन किताबों को जरूर रीड करें। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की किताबों से काम नहीं चलेगा, प्राइवेट स्कूल की किताबें भी पढ़ लें। फिर साथ में ईवीएस में कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर भी आ जाते हैं, तो वो ज्योग्राफी के चैप्टर भी जैसे सोलर सिस्टम, ये वो कुछ जियो के चैप्टर हैं, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह आ जाते हैं, तो जियो के चैप्टर्स भी देखें। साइंस के चैप्टर भी आ जाते हैं तो उनको भी देखें। तो ईवीएस को मिला जुला के करें अच्छे से, बट आपके वहां की जो बुक्स हैं उनको बच्चा बिल्कुल ना छोड़े। फिर मैथ्स से तो भाई बेसिक अर्थमेटिक है, एडवांस के मेंसुरेशन वगैरह ये एक आधा टॉपिक कर लेना, सीधा सीधा अर्थमेटिक आपके एग्जाम में आ जाता है, बट एडवांस के एक दो टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर कर लेना। तो ऐसे करके आप सब्जेक्ट को करेंगे लेवल ये जो है 1 to 5 वाले। 6 to 8 वालों की मैथ्स की बात करूं, क्योंकि मेरा 6 to 8 पे जो सब्जेक्ट है बेसिकली एसएसटी रहता है, तो एसएसटी में आपको हिस्ट्री, जियो और पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छा से करना है। यूपी में इकोनॉमिक्स बहुत कम आती है, ना के बराबर आज तक नहीं आई, मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे, एनालाइज करके आपका सिलेबस क्रिएट किया है। तो पॉलिटिकल ये तीन है, हरियाणा में तो जैसे इकोनॉमिक्स भी आ जाती है बट यूपी में नहीं आती इतनी। हिस्ट्री में बेसिक आप एंशियंट को अच्छे से करें, मेडिवल को करें, मॉडर्न को करें, और गाइज वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करें, और साउथ हिस्ट्री को तो करना बिल्कुल ना भूलें, ओवरव्यू जरूर लेना, साउथ हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं टीचिंग में। जियो के ऑल कंप्लीट टॉपिक की मैंने वीडियोस बना रखी है, मतलब कंटेंट की। पॉलिटिकल तो बिल्कुल मुट्ठी भर होता है, संविधान ये वो मंत्रिमंडल एक्सेट्रा ये सब आप कर ले, तो ये सब एसएसटी करें। साथ में आपकी जो स्कूल की बुक है 6 से लेके 8 तक की, 6 to 8 की जो किताब है ना बच्चा, एससीईआरटी वाली जो आपकी है, यूपी की जो यूपी बोर्ड में है, जो भी नाम से है आई डोंट नो, तो उन किताबों को आप जरूर करें, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूपी टेट में आपको 150 मार्क्स है और आपको पास होने के लिए 90 नंबर लेने हैं, और 90 नंबर आप मेरी साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश और हिस्ट्री मैंने पूरी करवा रखी है भाई, ये भी देख लोगे तो 90 नंबर आराम से आ जाएंगे, बट बाकी जितना हो उसके मैक्सिमम पढ़ें, ठीक है गाइस। तो यूपी टेट को थोड़ा अच्छे से ले, सीरियस ले, गो विद मी एंड गो विद अनदर चैनल्स जो भी आपको अच्छे लगे, आई डोंट केयर अबाउट डेट, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। बेसिक आपकी ग्रामर पे, साइकोलॉजी पे, देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, उसको तरीके से समझना होता है, और हम हवा बना लेते हैं टेस्ट का, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कई बच्चे कहते हैं जी हमें हिंदी आती है, यूपी वाले कहते हैं हिंदी आती है, हिंदी नहीं पढ़ के जाते, यही तो प्रॉब्लम है। देखो जो चीजें हमें आती है ना, पास होने का तरीका, जो चीज हमें आती है ना उसको स्किप मत करो कि हमें आती है, और हम ऐसा सोचते हैं हमें आती है और हम पढ़ के नहीं जाते और नंबर ले लेते हैं, फिर भी नंबर ले लेते हैं, तो सोचो जो चीज हमें आती है हम उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो भाई हम क्यों नहीं पास होंगे, हम तो 100% नंबर लेंगे। तो जो चीज आपकी बेस्ट है उसको इतना बेस्ट करो कि वहां से मेरा नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, फिर जो चीज नहीं बेस्ट है उस पर भी एफर्ट डालो। अभी तो आपके पास टाइम है, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन को, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर है, सीधे सीधे साइकोलॉजी के टॉपिक है, तो सीधा सीधा यूपी टेट है। मेरे यहाँ आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, तो यूपी टेट की क्लासेस अवेलेबल है, बाकी मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पास यूपी टेट का स्पेशल नोट्स पैकेज भी है, तो यदि किसी बच्चे को नोट्स पैकेज लेना तो आपको मिल जाएगा, आपके होम एड्रेस पे कोरियर हो जाता है। 7015467794 इट्स माय कॉन्टेक्ट नंबर, 70154-67794। तो स्टडी मटेरियल फुल फ्लैश है जिसमें पूरा साइक्लोजी है, क्लास कॉपी है, क्वेश्चन बैंक है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, ईवीएस मैथ्स, मैथ्स की क्लास कॉपी, एसएसटी क्लास कॉपी, क्वेश्चन बैंक, मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है जिसको लेके आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। सो गाइज होप सो यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स यूपी डेट से जुड़े हुए हैं इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऑल गेट बेनिफिटेड फॉर दिस। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।